आदर्श लेडीज क्लब आदर्श नगर की ओर से मंगलवार को सावन उत्सव मनाया गया। तीन त्योहारों की थीम पर हुए उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। सदस्यों ने कई लजीज व्यंजनों का आनंद भी लिया। इसके साथ ही सावन के गीतों पर नृत्य किया। इस मौके पर महिलाओं ने पौधे भी लगाए, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। क्लब की नीता टंडन ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी तीन त्योहार सावन उत्सव, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज आदर्श नगर के बैनर तले हमारा आदर्श लेडीज क्लब है, जो हर साल तीन फंक्शंस करता है। उसमें पहला है हमारा सावन उत्सव। आज हम सावन उत्सव भी मना रहे हैं, और चूंकि राखी का त्यौहार परसों ही है तो हमने इसको भी हाईलाइट किया है, और कुछ ही दिन बाद जन्माष्टमी भी है तो हमने उस थीम को भी लिया है, और 15 अगस्त है तो स्वाधीनता समारोह की भी तैयारी के साथ हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारा ड्रेस कोड लहरिया मुठरा या बंदेज है, और हमने उसी से रिलेटेड गेम्स हाउजी और रखे फूलों की ज्वेलरी का हमने कॉम्पिटिशन रखा है। छाता सजाओ एक हमारा कॉम्पिटिशन है, साथ में ही यहीं पर ऑन द स्पॉट हमने राखी बनवाई है, राखी बनाई है यहाँ पे लेडीज ने। इसके अलावा रंगारंग नृत्य के कार्यक्रम है और ड्रामा और स्किट भी है। 15 अगस्त, रक्षाबंधन और बकरा ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे ज़िले के राजस्थान के सभी देशवासियों से मैं यही निवेदन करता हूं कि मैं हमारा देश और हमारा राज्य विकास करे, उन्नति करे, आगे बढ़े, खुशहाल बने, यही मेरी शुभकामना। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।